नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल के जस्ट नॉलेज में स्वागत है। सही दिशा में लगाएं हनुमान जी की मूर्ति और पाएं जीवन में समृद्धि। कलयुग के देवता बजरंगबली मंगल के देवता हैं और उनकी शनिवार को भी उनका एकाधिकार है। कुंडली में सारे ग्रह खराब हैं, लेकिन एक मंगल उच्च का है तो आपको जिंदगी में बड़ा आदमी या बड़ा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हम इसके विपरीत बात करें कि कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, दुर्बल है, कमजोर है, दुश्मन के घर में बैठा है, तो इसका जीवन में बहुत बुरा असर होता है। लेकिन कुंडली में मंगल चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे बलवान बनाने का एक बहुत सहज उपाय है। जी हाँ, हनुमान जी के चित्र का महत्व ध्यान में रखते हुए वास्तु में कई नियम बताए गए हैं। दरअसल यदि घर में देवी देवताओं के चित्र लगे हों तो घर में कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से कई लाभ मिलते हैं। बंद किस्मत खुल जाती है, आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाती है। हनुमान जी को दक्षिण दिशा बहुत पसंद है, लिहाजा आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगा दी तो मानकर चलिए कि आप पर कोई परेशानी नहीं आएगी। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई लगानी चाहिए, इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की फोटो अधिक शुभ है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। इस दिशा में भी लंका भी है और सीता की खोज, लंका दहन और राम रावण का युद्ध भी हुआ है। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए हनुमान जी विशेष बलशाली हैं। हम आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं के चित्रों को लगाने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर का वातावरण सुकून देने वाला और पवित्र बना रहता है। बाहर से आने वाले लोगों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। घर में सभी सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम सदा बढ़ता रहता है। हनुमान जी के चित्र का महत्व ध्यान में रखते हुए वास्तु के कई नियम बताए गए हैं। यदि आपके घर में बजरंग बली की कोई मूर्ति है तो वह सही दिशा में नहीं है तो हनुमान जी तुरंत दे सही दिशा और फिर देखें हनुमान जी का चमत्कार। हम यहाँ यह भी बताना चाहते हैं कि दक्षिण मुखी घर ज़्यादा लकी नहीं होते हैं। ऐसे में दक्षिण की ओर देखते हुए हनुमान जी की मूर्ति लगा दें, घर शुभ हो जाएगा, घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।